आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। शुभम मौर्य के हत्यारों को गिरफ्तार करे पुलिस, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। डॉक्टर जनक कुशवाहा। मृतक परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करे सरकार। इंतखाब आलम। गाजीपुर घोसी तहसील के अंतर्गत उसरी खुर्द रामपुर ग्राम सभा में मौर्य परिवार के एक लड़के को अपनी मजदूरी मांगने पर उसे पकड़कर गोली मार दी, जबकि उसका बड़ा भाई पर निशाना चूकने के कारण वो बच गया। इस घटना की जांच के लिए कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल दल उसरी ग्राम पहुंचकर घटना की जानकारी प्राप्त की। घटना के बाबत पता चला कि पुलिस केस में हीला हवाली करते हुए कुछ लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव डॉक्टर जनत कुशवाहा ने कहा, शुभम के सभी हत्यारों को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ समाज के लोग एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंतखाब आलम ने सरकार से मांग की, इस गरीब परिवार में वही लड़का एक था जो अपने पिता का सहारा था, अतः इस परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करे। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वर्गीय राम नरेश कुशवाहा के पुत्र सुनील कुशवाहा ने कहा, इस परिवार की लड़ाई समाज का एक एक व्यक्ति लड़ने को तैयार है। प्रशासन गंभीरता पूर्वक इस केस को हल करे, नहीं तो समाज चुप नहीं बैठेगा। राष्ट्रीय समानता दल के प्रदेश अध्यक्ष संदीप कुशवाहा ने कहा कि FIR में नामजद 3 लोगों को पुलिस बचाने में लगी हुई है, लेकिन समाज इसकी लड़ाई लड़ेगा और प्रशासन को इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा, नहीं तो बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस प्रतिमंडल में मुख्य रूप से संपत मौर्य, विनोद कुमार, सुरेश राजभर के साथ साथ समाज के शैलेश मौर्य, जय मौर्य, रामबचन मौर्य, मनीराम मौर्य, जंग बहादुर मौर्य, प्रेमचंद मौर्य, गुलशन मौर्य, चंद्रसेन मौर्य सहित ग्राम के संभ्रात लोग भी मौजूद रहे। सलीम मंसूरी, ब्यूरो चीफ, गाजीपुर की रिपोर्ट। कहाँ आए हैं आप लोग, अपना परिचय देते हुए जो है? मैं जनक कुशवाहा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ। एक बहुत दर्दनाक घटना यहाँ उसरी गांव में हुआ है, उसको लेकर समाज के मेरे कुशवाहा समाज में एक ऐसा यहाँ घटना है पूरे समाज को परिलक्षित करता है कि वो अपनी मजदूरी मांगने के लिए गए, बल्कि मांगने के लिए नहीं, उन्होंने बुलाया था और बुलाने के बाद वो जाते हैं तो वहाँ लोग पकड़ करके और गोली मार देते हैं। एक लड़का बच जाता है, उसका छोटा भाई मर जाता है। ये बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस जो है इसमें लीपापोती कर रही है। जो नामजद किए गए हैं उनको पकड़ने में वह धन बल लगता है कि धन बल के का दुरुपयोग हुआ है। तो FIR वाले व्यक्ति जो 3 व्यक्ति हैं अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, उसी संबंध में हम लोग आए थे और हम लोग गिरफ्तारी की मांग करते हैं और यह मांग करते हैं प्रशासन से कि जितना जल्दी हो वो तीनों की गिरफ्तारी हो, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन पर बाध्य होंगे और समाज के लोग एकजुटता का परिचय दे करके इस लड़ाई को गंभीरता से लड़ेंगे। प्रशासन यह ना समझे कि एक कमजोर व्यक्ति का है, पूरा समाज उनके साथ है और मैं ऐलान करता हूं कि प्रशासन अपने उस पूर्वपरिचित अंदाज में आकर जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, नहीं तो हम अगला कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। बताएं सर, क्या परिचय है आपका? मैं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष इंतखाब आलम, आज मैं उसरी गांव में आया हूं और शुभम मौर्य की जो निर्मम हत्या की गई, गुमटी बनाने की मजदूरी 9,000 रुपया बाकी था और फ़ोन करके बुलाया गया कि आओ मजदूरी ले जाओ, और वहां जाने के बाद दोनों भाई, दो भाई हैं ही छोटे बड़े, दोनों भाई बाइक से गए और बाइक से जाने के बाद उनको जो पैसे देने की बात है, पैसा दे रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि हम बैंक से निकालते हैं, ला रहे हैं, दे रहे हैं, जो बात करने से हमें आज पता चला, और कहा इन सबों ने कि पैसा नहीं देंगे। फिर तो इन्होंने कहा जब कल देने के लिए कह रहे हैं चलो गाड़ी घुमाओ चलते हैं, उतने ही देर में बाइक से भी दो लोग आए, एक बाइक से उतरा जो हमें संज्ञान में मिला है, और कुछ लोग बोलेरो से भी आए थे उनके साथ। उन लोगों ने पकड़ के पहले तो बड़े भाई के कट्टा लगाया लेकिन गोली चलाई तो बैठे, और बाद में फिर पकड़ कर उसने छोटे भाई को गोली मार दिया गया सीने में। आई विटनेस होने के कारण सब कुछ के बावजूद मारने के बाद ये भागे हैं, तो सीधी सी बात है कि बोलेरो नहीं पकड़ा गया अब तक, उसमें आए हुए अपराधी जो हैं वो भी आज बेखौफ घूम रहे हैं, और सुनने में जो इन लोगों को आ रहा है धमकियाँ भी मिल रही हैं इस परिवार को कि अभी तो एक ही हत्या हुई है और भी हत्या हो जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी। और इसके बावजूद भी प्रशासन उन लोगों को नहीं पकड़ रही है। कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को, ये सर्व समाज की लड़ाई है, गरीबों की लड़ाई है, जो एक गरीब तबका जो जानते हैं लोग कि ये बड़े लोग दबा देंगे, इसको दबाने का प्रयास हम लोग किसी तरीके से इसको नहीं होने देंगे, और हमारे साथ सर्व समाज और हमारे गरीब और कांग्रेस पार्टी और सारे लोग मिलकर, ये कांग्रेस पार्टी की ही नहीं, ये हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि इस गरीब इंसान के साथ खड़ा हुआ जाए। और सरकार से ये भी मांग करना पड़ेगा, चूँकि वो व्यक्ति दो गरीब तबका है और उसका आय, उसको जो है आय का स्रोत था,
वो भी बंद हो गया। आर्थिक सहायता भी सरकार को इस परिवार को देना चाहिए। हम लोग इसकी भी मांग करेंगे कि आर्थिक सहायता के साथ साथ कानूनी तौर पे जो लोग मुलजिम हैं उनको तुरंत गिरफ्तार कर उन्हें जेल के अंदर डाला जाए, कि उनको जो है सुरक्षा कवच दिया जाए, कि वो व्यक्ति आई विटनेस है उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अगर मान लीजिए अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग या सभी लोगों ने जो अभी तय किया गया है, सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग एसपी से और लोगों से सबसे एक ज्ञापन के तौर पर फिलहाल अभी उनसे फिर भी दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा। नहीं करते हैं तो इसका वृहद रूप अपनाया जाएगा, धरना प्रदर्शन, हमारे समाज जो दबे लोगों को लेकर इसके लिए जहाँ तक भी हद तक जिस हद तक जाना होगा हम लोग जाएंगे। कलेक्ट्रेट का घेराव भी कर सकते हैं, एसपी के एसपी ऑफिस का भी घेराव कर सकते हैं, इसलिए कि गरीब बेसहारा नहीं है, ये लोग समझें और कानून अपना काम करें। इसके साथ ही हम लोग बैठ सकते हैं, वरना नहीं मानेंगे।